तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल डी के डिजिटल कैश में। और यहाँ पर आप लोगों के साथ में मैं फिर से जो है पाई नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और इस अपडेट के बाद दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की जो KYC है वो यहाँ पर होने वाली है। तो हमारे पास में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों कल जो है पाई डे था, और पाई डे के इंडिया के अंदर जो है परसों था क्योंकि 14 तारीख थी, लेकिन उसके बाद जो 14 तारीख है आप लोगों को पता ही है कि दूसरी कंट्री के अंदर जो है थोड़े लेट से जो है 14 तारीख आती है या एक दिन वो हम लोगों से पीछे है। तो उस हिसाब से जो है पाई डे कल सेलिब्रेट हुआ, और जो अपडेट थी वो पाई डे की डॉक्टर निकोलस की तरफ से कल जो है वो वीडियो आई है सभी के पास में, सभी की एप्लीकेशन के अंदर ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट जो वो अवेलेबल है। जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट जो दोस्तों यहाँ पर जो हुई है, ठीक है, डॉक्टर निकोलस की तरफ से, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर छोटी सी क्लिप के ज़रिए शेयर करूँगा। इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि अब हमारे पास में KYC को लेकर के यहाँ पर डॉक्टर निकोलस ने क्या कहा है और हमें यहाँ पर उसको किस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सुनते हैं कि डॉक्टर निकोलस ने वीडियो के अंदर क्या कहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बोला गया है कि पायनियर्स यानी कि पाई कम्युनिटी के अंदर जो पायनियर्स हैं या डेवलपर्स हैं, ठीक है, अब ये टाइम आ चुका है कि सभी के सभी जो लोग हैं वो जो है साथ में जल्दी से जो भी हमारे जो गोल्स हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और जिससे कि प्रोजेक्ट के अंदर तेज़ी आ पाए और हम लोग जल्द से जल्द जो है वो ओपन मेननेट के अंदर एंट्री कर पाएँ। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले जो बात कही है गोल्स के अंदर, वो सबसे पहले है मास KYC एंड मेननेट माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी क्रिएशन, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में मास KYC यानी कि जो आप सभी लोगों की जो KYC पेंडिंग है, और मेननेट माइग्रेशन यानी कि जो KYC होने के बाद में जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप रह जाता है जिसमें हमें वॉलेट के अंदर अपने जो कॉइन्स हैं उसको माइग्रेट करना है, जिससे कि वो बैलेंस जो है वो हमारे पास में हमारे मेन वॉलेट के अंदर आ जाए और हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ, ठीक है। तो वो हमारा मेन गोल है। उसके बाद यूटिलिटी क्रिएशन यानी कि जो आप देख रहे हो कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो पाई ब्राउज़र के अंदर ऐड हो रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तब वो यूटिलिटी क्रिएशन जिससे कि यहाँ पर एक इकोसिस्टम तैयार करने में जो है वो मदद मिल सके और यहाँ पर सभी तरीके के ऐप्स जो वो अवेलेबल हो जिसमें आप अपने जो कॉइन्स हैं उसको यूज़ करके और वहाँ पर यूटिलिटी इकोसिस्टम जो है वो रन कर सको, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं जहाँ पर डॉक्टर निकोलस ने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और सुन लेते हैं लास्ट में क्या इन्होंने 10 या 15 सेकंड की और है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों वही सेम बात जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करी कि भाई मास KYC जो है वो उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अभी यहाँ पर ये जो मास KYC की बात हो रही है इसमें भी, क्योंकि आपने पहले कई बार जो है मास KYC वर्ड जो है वो सुना हुआ है, लेकिन मास KYC का अब यहाँ पर एक और यहाँ पर इसके अंदर चीज़ जोड़ी गई है जिसमें बोला जा रहा है मास KYC ओपन फॉर ऑल पायनियर्स, ठीक है। ये बात जो है यहाँ पर बोली जा रही है मास KYC ओपन फॉर ऑल पायनियर्स, मीन्स कि सभी के लिए मास KYC अवेलेबल है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के पास में KYC पहुँची है, और इसका प्रूफ दोस्तों मैं आप लोगों को खुद बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन पहले यानी ये अपडेट आने से पहले मेरे पास में मेरा जो एक और यहाँ पर जो है माइनर है मेरे साथ में, ठीक है,
तो उसकी कॉल मेरे पास में आई थी, और उसके पास में 2 से 3 दिन पहले कुछ अलग तरीके की केवाईसी का नोटिफिकेशन जो है वो आया। जब उसने मेरे को शो करा तो सबसे पहले मुझे डाउट हुआ, क्योंकि पहले जो केवाईसी का ऑप्शन था वो अलग तरीके का था, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंट हटके थोड़ा सा आया है, और इसीलिए थोड़ा सा जो है मैं कन्फ्यूज़ हो गया। लेकिन जब मैंने देखा तो वो केवाईसी का ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल था। तो एनीवेज उसके बाद हेल्प करी, एंड इसके बाद में फिर 2-3 जगह से और मुझे जो है केवाईसी के बारे में जो है अपडेट मिली कि भाई केवाईसी उन लोगों के पास में आई है। तो इट मीन्स कि दोस्तों केवाईसी जो है वो आनी अवेलेबल होनी जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों के पास पहुंचनी स्टार्ट हो चुकी है। आपको करना क्या है, एक जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जिन लोगों के पास में अगर केवाईसी नहीं आई है, तो आप लोग दोस्तों जाइए अपना जो पाई ब्राउज़र है उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ये स्टेप्स है जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं, उन लोगों को फॉलो करने हैं जिन्होंने जिनके पास में केवाईसी नहीं आई है, ठीक है। ये स्टेप करने के लिए बोला गया है, ठीक है, जिनके पास में केवाईसी नहीं आई है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर एक केवाईसी आती है नहीं आती है वो आप लोग मुझे बता पाएंगे, मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी मेरी केवाईसी जो है वो हो चुकी है। तो अगर मैं अपना पाई ब्राउज़र ओपन करूँ, अनइंस्टॉल करूँ, उसको इंस्टॉल करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी है। तो दोस्तों जो स्टेप मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोग फॉलो करिए। अगर आपके पास में केवाईसी वो स्टेप फॉलो करने के बाद में आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों की केवाईसी जो है इस स्टेप को फॉलो करने के बाद में जो वो अवेलेबल हुई है एग्जैक्टली मेरे पास में रिकॉर्ड जो वो आ जाएगा। तो आप लोग ये स्टेप फॉलो करने के बाद में जब भी आपके पास में केवाईसी रिसीव हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना, इसको भूलना मत, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पाई ब्राउज़र जो है उसको अनइंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद दोबारा से आपने अपना पाई ब्राउज़र जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आपने इंस्टॉल इसको कर लेना है। पाई ब्राउज़र टाइप करना है आपने सिंपल, ठीक है, इसी तरीके से, और इसको दोबारा से आपने इंस्टॉल कर लेना है फ़ोन के अंदर, ठीक है। और फिर वहाँ पर जा करके आपने प्रोफाइल में जा करके चेक करना है, ठीक है, कि आपके पास में केवाईसी जो है वो अवेलेबल है या नहीं। कहाँ पर जाना है, आपने पाई ब्राउज़र ओपन करना है अपना, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि KYC.py जो लिखा हुआ है यहीं पर आपने जो है इसको ओपन करना है, ठीक है, KYC.py। वहाँ पर हो सकता है साइन इन करने के लिए जो है बोले, तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से साइन इन करना है। आपने सिंपल जो है अपना साइन इन करने के लिए, जैसे अगर आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट अपनी पाई ऐप ओपन करनी है, और पाई ऐप ओपन करके आपने प्रोफाइल में जाना है, और वहाँ पर जा करके अपना जो है पाई ब्राउज़र सेलेक्ट करके आपने डायरेक्टली उसके अंदर साइन इन कर लेना, जिसके बाद आप लोगों को वहाँ पर KYC का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टेप्स हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से फॉलो करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास में वहाँ पर KYC अवेलेबल है, तो आप सिंपली KYC करने वाले जो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताए, आप उसको देखें, फॉलो करें, और अपनी KYC जो वो यहाँ पर जल्द से जल्द उसके लिए अप्लाई करें और कंप्लीट करें। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, बाकी आप लोगों के पास में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी तरीके से कोई इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन, नई अपॉर्चुनिटी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।